तो आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमने हमारे बेटों को खूब पढ़ाया, विदेश भेजा, व्यापार कराया, बड़ी नौकरी की तमन्ना रखी, लेकिन बेटी के लिए बड़ा दामाद देखा। श्रोताओं, ये थोड़ी कड़वी सच्चाई है, लेकिन हम अगर इस पर गौर करेंगे तो हमें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि क्यों हम आज बेटियों की कहानियों को इतनी प्रमुखता से बताते हैं। दरअसल हमने मान लिया कि बड़ा काम बेटे करेंगे, बेटियों के लिए बड़ा दामाद ढूंढेंगे, और हमारी सारी मुश्किलों की जड़ भी यहीं से शुरू होती है। दुर्गा और लक्ष्मी की पूजा करने वाला समाज प्यार बेटियों से बेटों की तुलना में ज्यादा करता है, लेकिन उन्हें पनपने का अवसर कम देता है। और इसी विरोधाभास ने हमें ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां घरेलू हिंसा, दहेज, बलात्कार और कन्या भ्रूण हत्या जैसी बीमारियों ने समाज को बीमार बना दिया। इतना बीमार कि दुनिया हमारी राजधानी यानी कि दिल्ली को रेप कैपिटल कहने लगी, और हमें समझ ही नहीं आया कि 21वीं सदी में हम आगे जा रहे हैं या पीछे। पढ़ी लिखी हमारी पीढ़ी क्या कर रही है? श्रोताओं, इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया, आधी आबादी पूरा सच। आकाशवाणी के श्रोताओं को आज मैं डॉक्टर मीना शर्मा अरुणिमा सिन्हा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये नाम इन दिनों आप बहुत सुन रहे होंगे। ऊंचे ऊंचे पर्वतों की सैर करने वाली उत्तर प्रदेश की अरुणिमा। श्रोताओं, नाम अरुणिमा रखते वक्त शायद माता पिता ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन देश के कोने कोने में अपनी सफलता के कण बिखेरेगी ये बेटी। लेकिन आज पूरे देश में इस बेटी की चर्चा हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों न आपको सुनाऊं पहाड़ जैसे इरादों वाली इस बेटी की बेमिसाल कहानी। ये वही बेटी है जिसे 4 साल पहले भारत के राष्ट्रपति ने पद्मश्री से सम्मानित किया। श्रोताओं, कुछ लोग होते हैं जो ऊंचाई पर जाने के बाद रुकते नहीं हैं। एक पर्वत से दूसरे पर्वत को नापने वाली अरुणिमा भी उन्हीं में से है। ऐसे लोगों को आप बेटे या बेटी की किसी श्रेणी में विभाजित करते हैं तो दरअसल ये हमारी अपनी ही सीमाएं हैं। नहीं तो बेमिसाल नाम ही काफी है। बेमिसाल काम करने वाली ये नायिका कैसे यहाँ तक पहुँची? शुरुआत यहीं से करते हैं। खेल की दुनिया में भारतीय बेटियां परचम लहरा रही है। राष्ट्रमंडल खेलों से लेकर ओलंपिक तक भारतीय तिरंगे की शान बढ़ाती बेटियों को सलाम करना ओबामा भी नहीं भूले थे। लेकिन जब ओबामा इस देश में पहली बार गणतंत्र दिवस पर विदेशी मेहमान बनकर आए थे, उस वक्त गणतंत्र दिवस की सलामी जब ले रहे थे, भारत की इस बेटी को पद्मश्री का ऐलान दूसरी बेटियों के लिए मिसाल बन रहा था। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरे देश ने 2019 के जनवरी महीने में जिस अरुणिमा की तारीफों के पुल बांधे, उसकी वजह अरुणिमा का ये साहस ही है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर हाथों में तिरंगा लिए मुस्कुराने वाली इस महिला के हौसले से आसमान भी छुप गया। 1000 फीट की ऊंचाई पर बार बार तिरंगा लहराने वाली अरुणिमा सिन्हा के जुनून के आगे डॉक्टर और मेडिकल साइंस भी हार मान गए। कैसे, जानिए मेरे साथ। मैं डॉक्टर मीना शर्मा आज आपको सुनाने जा रही हूँ पत्थर को पिघलाने वाली अरुणिमा सिन्हा की कहानी। इस बेटी को कुछ मंजिलों ने चलती ट्रेन से फेंक दिया था, पैर हमेशा के लिए काटना पड़ा। डॉक्टर ने जो जवाब दिया वो अरुणिमा से ही सुनिए। मैं हॉस्पिटल से निकली सीधा माउंटेन में। 11 अप्रैल 2011 की रात को मेरा एक्सीडेंट हुआ। 21 मई 2013 को मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड। डॉक्टरों का कहना है कि 3 से 4 साल लग जाते हैं प्रोस्थेटिक लेग पे चलने के लिए, हड्डियां जुड़ने में। श्रोताओं, उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले के एक छोटे से कस्बे अकबरपुर की रहने वाली अरुणिमा फुटबॉल और वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थी। अप्रैल 2011 में मैच खेलने के लिए नोएडा जा रही थी। अकेली लड़की को देखकर लुटेरों ने बदसलूकी की। अरुणिमा ने विरोध किया तो चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। उत्तर प्रदेश के अराजक लोगों के लिए ये नई बात नहीं थी।
लेकिन अरुणिमा का पूरा करियर खत्म हो गया क्योंकि पैर काटना पड़ा। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि जिस लड़की का पैर काटना पड़ा वो पर्वतों की ऊंचाई नापने में कैसे सफल हुई। तो इस बेटी की पीड़ा को सुनकर आप हैरान भी होइए और गौरवान्वित। बताऊं इस हादसे में अरुणिमा का बायां पैर काटना पड़ा तो दाहिने पैर में स्टील की रॉड डाली गई। अस्पताल के बिस्तर में जिंदगी की उम्मीदें टूट चुकी थी। अब घर की चार दीवारी और बिस्तर ही उसका ठिकाना था। अस्पताल के बिस्तर में अरुणिमा ने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगी। चलती ट्रेन में लुटेरों के आगे जिसने हार नहीं मानी, जो मौत से नहीं डरी, वो बेटी भला कैसे हार मानती बिस्तर पर। और फिर शुरू हुआ एक नया संघर्ष। वो संघर्ष पैर टूटने के दर्द से भी ज्यादा दर्दनाक था। श्रोताओं, अरुणिमा को दो लड़ाइयां लड़नी थी। पहले सिर्फ समाज की सोच से लड़ रही थी, अब शरीर भी समाज की तरह साथ नहीं दे रहा था। क्या क्या नहीं सुना अरुणिमा बताती हैं तो जख्म आज भी हरे हो जाते हैं। मैंने जिन जिन लोगों से बोला था कि मुझे माउंटेनिंग करना है तो हर किसी ने मुझे बोला कि पागल हो गई हो, सनकी हो गई हो, सदमे में है। कुछ लोग तो फ्रेंड से यहाँ तक बोल दिए कि क्या लंगड़ी हो गई, दिमाग भी खराब हो चुका है। श्रोताओं, ऐसे हालात में जीवन को आगे बढ़ाना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो इन मुश्किलों को पार कर ले वही असली नायिका होती है। देश और दुनिया में असली पहचान भी उसी की बनती है, दूसरों के लिए नजीर भी वही बनता है। अरुणिमा सिन्हा को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित पूरे देश ने बधाई दी, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की इस पहली शारीरिक रूप से सक्षम बेटी को ब्रिटेन की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। और जब देश ने जाना कि महज 27 साल की उम्र में पद्मश्री हासिल करने वाली ये बेटी इतनी परीक्षाओं के दौर से गुजरी है। श्रोताओं, अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंचने वाली वो पहली महिला है जिसने अपने शरीर को बाधा नहीं बनने दिया, और वे अभी भी रुकी नहीं है। अपनी एकेडमी के जरिए वो अपने जैसी बेटियों को तैयार करने का सपना देख रही है तो दूसरी बेटियों के लिए नजीर भी बन रही है। इसलिए ऐसे माता पिता जो किसी अनहोनी के डर से अपनी बेटियों को घर में ही रखना चाहते हैं, अब डरना बंद कर दें, क्योंकि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अब बेटियों की सुरक्षा के चौतरफा बंदोबस्त किए हैं। शहरों में वर्किंग वुमेन हॉस्टल, सड़क पर सुरक्षा के लिए पैनिक बटन, और किसी भी तरह की छेड़छाड़ या हिंसा से बचना है तो 181 हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर ही केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी के प्रयासों से समूचे देश में मोबाइल फोन, बसेस और टैक्सी समेत अन्य वाहनों में पैनिक बटन की व्यवस्था लागू की गई है। यात्रा के दौरान अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आती है तो पैनिक बटन का इस्तेमाल आप पुलिस प्रशासन को अलर्ट करने के लिए कर सकते हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पिछले 4 साल में महिलाओं की सुरक्षा के जितने कदम उठाए हैं, इससे पहले की सरकारों ने पिछले 20 सालों में भी इतने प्रयास नहीं किए। अब जरूरत इस बात की है कि आप उन सब का फायदा उठाएं और अपनी बेटियों को, खुद को खुशहाल बनाएं। अब वक्त आपसे विदा लेने का है, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, हमेशा की तरह अगर आपके आसपास भी ऐसी ही शानदार प्रेरणादायक जीवंत कहानी है तो आप हमें सीधे भेज सकते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी को ईमेल कर सकते हैं। उनका ईमेल एड्रेस है gandhim@nic.in। आप मंत्रालय की फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल @ministrywcd पर भी अपनी स्टोरीज पोस्ट कर सकते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात कि अगर आपने चिट्ठी लिखनी नहीं छोड़ी है तो मंत्रालय का पता है 3rd फ्लोर शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अब वक्त आपसे विदा लेने का है। मैं डॉक्टर मीना शर्मा आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ, आकाशवाणी के इसी चैनल पर इसी वक्त। आप मेरा इंतजार करिए, मैं आपका इंतजार करूंगी। नमस्कार।